ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए जमाने के अनुकूल ट्रेड से उन्हें परिचित करा रहे हैं। प्रदेश का कोई युवा चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहे, रोबोटिक्स का काम करना चाहे या किसी भी तरह का कौशल सीखना चाहे, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आपको उन्हें इसके लिए जागरूक करना होगा। आप जिन प्रतिभाशाली छात्रों को देखें जो प्रोफेशनल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मिल सकता है। सरकार लगातार विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में भर्ती निकाल रही है। इसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाएं, यह आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। उद्यम के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 50% सब्सिडी पर हम ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं को उद्योग जगत में अवसर प्रदान करने इंटर्नशिप योजना आरंभ की गई है। इसमें देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और इसके लिए भत्ता भी मिलेगा। आप सभी इसका भी समुचित प्रचार प्रसार करें। आप सभी युवा हैं, युवा होने के साथ आप सभी में अतिरिक्त सद्गुण यह है कि आप सभी सेवाभावी भी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बने के बाद, नवा सरकार बैठे के बाद, हर दिन हर महीना 25,000 आवास पूरा हुआ थे, हर महीना 25,000 आवास पूरा हुआ थे, 1,96,000 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। ओखर आज गृह प्रवेश भी हवे, 1,96,000 आवास बनकर तैयार हो गए हैं, ओखर आज गृह प्रवेश हवे। और पीएम जनमन के माध्यम से जिन 24,000 आवास मिले हैं तेन अलग, और मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत जिन पुराना आवास दे गए रही से एक किस्त दे के बाद भुला गए तैसे लगते पुराना सरकार वाले, ओखरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहे की 1 करोड़ हमला देना है, ओखरों 47,090 ऐसा हितग्राही मन के वो आवास ला दे के कामला अभी करे जावत है। तो आज के बेरा मा मैं अतका आप लोग बताना चाहता हूँ कि केंद्र के द्वारा 8,47,000 आवास आए है। और मैं एक विशेष बात जिन बात के उल्लेख में आप लोग करना चाहता हूँ, एमा फोकस हो जाएगा भाई कैमरा वाले, ये स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है क्या, स्क्रीन पर दिखा सकते हैं क्या, और पीसी को करो फोकस करो पूरा। ये देख भैया देला, ये पूरा आवास की जिन सूची है 17 राज्य ला आवास देगे रही से, मैं प्रमाण बतावत हूं आप ला, अभी कतका राज्य ला आवास देगा, कतेक राज्य ला आवास दे है, 17 राज्य ला, 17 राज्य में दो लिस्ट के आधार पर आवास है। 2011 के सर्वे सूची तुहर गांव हो तो ही, 2011 के सर्वे सूची ओखर आधार में आवास और आवास प्लस के आधार में आवास, तो 2011 के सर्वे सूची पूरा देश के सबे राज्य मन पूरा कर लेन, कोई राज्यला 16 राज्यला नहीं देवत है, कावर उनखर 2011 के सर्वे सूची पूरा हो गए। और ओखर बाद सिर्फ छत्तीसगढ़ ला 6,99,000 आवास 2011 के मिलत है, काबर छत्तीसगढ़ के पुराना सरकार है वो कामला नहीं करे रही से तेखर बर 2011 के सर्वे सूची के कामला देश के 17 में से 16 राज्य पूरा कर ले रहे, छत्तीसगढ़ नहीं कर रही तेखर से सिर्फ छत्तीसगढ़ ला दे जावत है, बाकी सब पूरा कर ले रही है। ऐसा हाँ अटके आवास आवे तेना भी मिला थे, आज 5,00,000 लोगन के से अधिक लोगन के खाता में पैसा जाही। आप मन ध्यान दे हो के 8,47,000 आवास अबर स्वीकृत हो चुके हैं, 90,000 पाइपलाइन में है, तो 9,37,000 कुल आवास अभी आ जा है, 1,96,000 पहली बन गए है। मैं बताए आप ला तेन में 24,000 जनमन के और 47,000 कहते हैं मुख्यमंत्री आवास वाला हम छोड़ दे हन। एक हर बाद आज बड़ा विशेष दिन है, आज के बाद गांव-गांव में ऐसन व्यक्तिला चिन्हांकित करके जेखर आवास नहीं आए है आज तक और दोनों सूची में उनखर नाम नहीं है, ओमा नाम जोड़े के भी काम आज से शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ बात आवे और मैं आपला निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, हमार माननीय विष्णुदेव जी के सरकार है, पालनहारी सरकार है, कौड़ी खर्चा कोनोला नहीं करना है, ककरो पाछू भैया याद रख ले हो बात ला,
कौड़ी खर्चा नहीं करना है। फलनवा मांगा थे, ढकनवा मांगा थे, कुछ नहीं लागे भैया, बिल्कुल मत सब चक्कर में रहना, कौड़ी खर्चा करे के जरूरत नहीं है, बात नंबर बिल्कुल आप मन से ध्यान रखना। कोयला कोई ऐसे करत है तब बिल्कुल अधिकारी में जाकर के आप बोलो, और नहीं तब अपन क्षेत्र के नेता मेरे बोलो ये बिल्कुल नहीं करना है बात ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी भेजे हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी आप पर रखे हैं, और बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात ना आप सब जन ध्यान रखो। मैं आप सब जनला हृदय से आभार व्यक्त करत हुए, हृदय से धन्यवाद देवत हुए, आप मन के प्रधानमंत्री आवास बहु प्रतीक्षित रहे, जेखर बार आप मन सरकार न बदल दे, नवा अपन पसंद के सरकार बना ले, और वो सरकार आपके वो मंशाला आज पूरा करत है। आज विष्णुदेव साय जी हा नरेंद्र मोदी जी के एक औ गारंटी ला पूरा करत है, उनको आभार और अभिनंदन है, आप सब जन के आभार अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की।